वो भैया एक जमीन है जिसमें रिजवान भाई तो वहाँ बातचीत की वजह थी, तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए तो उसने थोड़ा बदमाशी किया है। सब छोड़ो अभी 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 यहाँ पर वो हो गया, पता चला है हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्ण लाइन में। अच्छा ये सुनने में आया। अच्छा कहाँ पे? कृष्ण लाइन के गाँव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ बराबर गोली चल रही है। हाँ ये तरफा जय श्री राम। अच्छा हेलो। हाँ हाँ काट ली ठीक है मुट्ठी में। ठीक है ठीक है रंगा से बात होगी। सर मुख्तार अंसारी और अभय के बीच में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें चोटी काटने का जिक्र हो रहा है, जय श्री राम कहा जा रहा है, वो कौन कह रहा है, क्या है वो? यह वार्ता मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच में है, दोनों उस वक्त जेल में थे और इस ऑडियो में पहले फ़ोन अभय सिंह ने लगाया मुख्तार अंसारी को और उसने किसी ज़मीन के डील के बारे में बात करने की कोशिश की। मुख्तार अंसारी ने इस पूरी बात को साइडलाइन कर दिया और अभय सिंह को बताया कि इस समय मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में गोली चल रही है। इस पर अभय सिंह ने पूछा कि गोली बराबर चल रही है या एक तरफा। मुख्तार अंसारी ने एक कटाक्ष के रूप में अथवा अहंकार के रूप में जय श्री राम कहा। इस इशारे को अभय सिंह तत्काल समझ गया और उसने वार्ता को क्लोज किया, लेकिन उसके बाद मुख्तार अंसारी ने कहा काट लिहिन मुट्ठी में। ये जो जिक्र है ये कृष्णानंद राय जी चोटी रखते थे और उनकी हत्या के बाद राकेश पांडे ने उनकी चोटी को काट लिया था और मुख्तार अंसारी को दिया था, इसी के बारे में मुख्तार अंसारी जिक्र कर रहा है। ये हनुमान बताते हैं इनके साथ जेल में रहा था और क्या रोल रहे थे? जी हाँ, हनुमान उर्फ राकेश पांडे मुख्तार अंसारी के साथ जेल में था इसी घटना में और इस पर और हनुमान पांडे मुख्तार अंसारी की सेवा में लगा रहता था। क्योंकि राकेश पांडे भोजन बहुत अधिक मात्रा में करता था, इसलिए मुख्तार अंसारी ने राकेश पांडे का नाम हनुमान रख दिया था। ये भी एक कटाक्ष ही था, लेकिन अपने शूटरों को मुख्तार इसी तरह ट्रीट किया करता था।